लोकसभा चुनाव नतीजों से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और अपनी वापसी के लिए बेताब कांग्रेस नजर आ रही है। बसपा और इनेलो के बीच मिलकर चुनाव लड़ने की प्लानिंग भी बन गई है, जिसकी औपचारिक घोषणा 5 से 4 दिन में हो सकती है। क्या कांग्रेस कामयाब होती है, क्या भाजपा हैट्रिक लगाती है, या बसपा इनेलो का गठबंधन कुछ कमाल कर पाता है। भारत@9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। हरियाणा विधानसभा चुनाव भले ही अपनी 3 महीने का समय लेकर चल रहा हो, लेकिन सियासी बिसात बिछाए जाने लगी है। लोकसभा चुनाव नतीजों से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और अपनी वापसी के लिए बेताब कांग्रेस नजर आ रही है। तो वही बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के कवायद में जुटी हुई है। बसपा और इनेलो के बीच मिलकर चुनाव लड़ने की प्लानिंग भी बन गई है, जिसकी औपचारिक घोषणा 5 से 4 दिन में हो सकती है। इनेलो और बसपा अगर गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरती है तो कांग्रेस की उम्मीदों पर सियासी ग्रहण लग सकता है और बीजेपी के लिए मुफीद हो सकता है, क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक ही है। देखिए, बसपा प्रमुख मायावती और इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला की लखनऊ में मुलाकात होती है। इस दौरान दोनों दलों के बीच मिलकर चुनाव लड़ने की सहमति भी बनी। अब ऐसे में इनेलो की कोशिश हरियाणा में तीसरा मोर्चा गठन करने की है और सियासी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी गई है। बसपा के साथ हरी झंडी मिलने के बाद उसकी अब गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने की कवायद देखी जा सकती है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर लिखा है, हम समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा कर रहे हैं। प्रदेश के सभी गैर भाजपा और गैर कांग्रेस संगठनों, जिसमें सियासी संगठनों के साथ साथ सामाजिक संगठनों से आग्रह किया है कि वे सभी साथ आएं। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को 5-5 सीटें मिली थी, यानी कि हाफ हाफ हो गया था। राज्य के 10 लोकसभा सीटों में से बसपा 9 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जबकि इनेलो ने 7 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दोनों ही दल खाता खोलने में नाकाम रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने से दोनों ही दलों का वोट बढ़ सकता है, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों का वोट घट सकता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग पैटर्न पर होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। इनेलो और बसपा के साथ आने से हरियाणा का सियासी खेल पूरी तरीके से बदल सकता है, क्योंकि कांग्रेस और इनेलो बसपा का सियासी आधार वोट बैंक एक ही है और एक ही पर आधारित है। 2014 का जिक्र करें तो 2014 में इनेलो ने कांग्रेस से ज़्यादा विधानसभा सीटें जीती थी और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली थी, लेकिन 2019 में हरियाणा के सियासी समीकरण बदल गए थे। इनेलो के दो धड़ों में बट जाने के चलते सियासी नुकसान उसे उठाना पड़ा था। अब हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी 36.49% वोटों के साथ 40 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 28.08% वोट शेयर के साथ 31 सीट पर रह गई थी। कांग्रेस को 16 सीट का फायदा हुआ था तो इनेलो को सियासी घाटा हुआ था। बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अब देखिए, बसपा 2019 में भले ही हरियाणा में एक सीट नहीं जीत पाई हो, लेकिन उसे 4.21% वोट जरूर मिला था। बसपा का सूबे में 4.5% से 5% के करीब वोट शेयर 1989 से है। इनेलो को पिछले चुनाव में 2.44% वोट मिला था, लेकिन उससे पहले 24% वोट था। कांग्रेस 2024 में दलित और जाट वोटों के दम पर ही 5 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही है, और इसी समीकरण पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने की भी प्लानिंग बना रही है। लेकिन बसपा और इनेलो के सियासी आधार जाट दलित ही हैं, इसलिए बसपा इनेलो के साथ आने का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा। बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में विपक्षी दलों का वोट बढ़ता है, इसका फायदा बीजेपी को होता है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है। देखिए, हरियाणा की सियासत में बसपा 1989 के लोकसभा चुनाव से किस्मत आजमा रही है। साल 1998 के चुनाव में बसपा ने इनेलो के साथ गठबंधन किया और 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। अब इनमें से 1 सीट उसे मिली थी। 2019 के लिए फिर से दोनों दलों ने आपस में हाथ मिला लिया था, लेकिन चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट गया था। हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर के वोट पाने की जहां कांग्रेस हर संभव
कोशिश कर रही है, तो इनेलो बसपा ने फिर से हाथ मिलाया है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग का 50-40 का फॉर्मूला बन सकता है। इनेलो 50 सीट पर और बसपा 40 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। 2019 चुनाव में इनेलो से ज्यादा बसपा को वोट मिला था। इनेलो ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.74% वोट हासिल किए थे और 2019 के विधानसभा चुनाव में 2.44% ही वोट हासिल किए। बसपा को लोकसभा में इस बार 1.28% वोट मिला और 2019 के विधानसभा चुनाव में 4.21% वोट मिला था। 2019 के विधानसभा चुनाव 40,000 से ज्यादा वोट बसपा को एक सीट पर मिला था और इनेलो को दो सीट पर। अब देखिए 5,000 से 40,000 के बीच वोट बसपा को 20 सीट पर तो इनेलो को 5 सीट पर मिला था। हालांकि दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी और अगर इस बार एक होकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर कम से कम 25 से 30 विधानसभा सीट पर सियासी उलटफेर हो सकता है। हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर 2,500 वोटों से भी कम रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इनमें से कुछ सीटों पर तो कांग्रेस को ही शिकस्त मिली थी। अगर ये सीटें कांग्रेस जीतती तो वो सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती थी। अब ऐसे में 20 विधानसभा सीट पर जीत हार का अंतर 5,000 से कम का था। बसपा और इनेलो के साथ मिलकर 2024 के विधानसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस का सियासी खेल गड़बड़ा सकता है तो बीजेपी को सत्ता के हैट्रिक लगाने का मौका मिल सकता है। चलिए इंतजार कर लेते हैं कि किसकी सरकार एक बार फिर से बनती है। क्या कांग्रेस कामयाब होती है, क्या भाजपा हैट्रिक लगाती है या बसपा इनेलो का गठबंधन कुछ कमाल कर पाता है। फिलहाल फिर इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।